जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बीटी यूपी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है आपके प्रैक्टिकल को लेके, ऑफिशियल न्यूज आया है जिसके बारे में सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेट 31/5/2022, 31 मई को लेटेस्ट अपडेट आया है रात को ही। ठीक है, और हम लोगों के पास कल मतलब 1 जून को अपडेट आया है, लेकिन कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैंने सोचा आप सभी को वीडियो बनाकर समझा देते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कब से कब हो जाना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद होगा प्रैक्टिकल या फिर एग्ज़ाम से पहले होगा, और अपने एग्ज़ाम जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके कॉलेज में नोटिस निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, इस बात को लेके कि प्रैक्टिकल कब से कब होगा, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्रेषक में सचिव हैं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में कौन है प्रधानाचार्य निर्देशक, परिषद से संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानी निजी क्षेत्र की संस्थाएँ। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो विषय क्या है। सम सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, जून 2022 की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने के विषय में। ठीक है, तो आपका जो इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, कब से एग्ज़ाम होने वाला है, 25 जून से जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं वो कब से कब कराए जाएंगे, इसके संबंध में नोटिस निकाल दिया गया है। यहाँ पे देखें तो क्या दिया गया है, महोदय परिषद की सब सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ओनली बैक पेपर परीक्षा, मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम परीक्षा, जून 2022 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से कराई जा रही है। ठीक है, तो ये बात आपका क्लियर हो गया कि जो आपका प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपके ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है नोटिस में, यहाँ देखिए उपरोक्त के दृष्टिगत सम सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ओनली बैक पेपर परीक्षा, मल्टी पॉइंट एंट्री क्रेडिट सिस्टम परीक्षा, जून 2022 की प्रयोगात्मक परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित प्रयोगात्मक परीक्षकों द्वारा ही ऑफलाइन माध्यम से कराना सुनिश्चित करें, एवं परिषद द्वारा नियुक्त किए गए परीक्षकों का विवरण संस्था लॉगिन और परीक्षक लॉगिन पर दिनांक 31/5/2022 से उपलब्ध है, उक्त परीक्षा दिनांक 20/6/2022 तक पूर्ण कराते हुए प्रयोगात्मक अंकों को परीक्षक द्वारा परीक्षक लॉगिन के माध्यम से परीक्षा जो आपका परिषद की वेबसाइट है, जो आपका बोर्ड का वेबसाइट है btup.ac.in पर इस पर प्रविष्ट करने का को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट देखिए कि आपका 20 जून तक आपके प्रैक्टिकल्स हो जाने चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है BTUP के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि 20 जून तक आपके प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, उसके बाद आपको 5 दिन का और एक्स्ट्रा समय मिलेगा, फिर आपका 25 मतलब 25 जून से आपके थ्योरी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, और सभी शिक्षकों को भी कहा गया है कि 20 तक जो भी आपके वाइवा लेने वाले टीचर्स हैं या फिर जो आपके टीचर्स हैं वो आपका जो थ्योरी का जो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स है उसको BTUP के मेन साइट पर वो अपना फिल कर दें। ठीक है, कि इस स्टूडेंट ने इतना जो प्रैक्टिकल है इतने नंबर पाया है, इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में इतने नंबर पाया है, सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है, सूचित है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा में आने वाली समस्याओं को परिषद कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के व्हाट्सएप पर अथवा अनुभाग 4 की ईमेल आईडी के अतिरिक्त अनुभाग की मेल पर प्रेषित कर समस्या के निराकरण की अपेक्षा की जाती है। इस संबंध में अनुरोध है कि प्रयोगात्मक परीक्षा संबंधित यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो परिषद कार्यालय के अनुभाग 4 की ईमेल आईडी anubhag4btup@gmail.com पर सूचित करें। साथ ही सूचित है कि यदि परीक्षक द्वारा परीक्षा लेने से मना किया जाता है तो संस्था द्वारा परीक्षक से इस संबंध में ईमेल आईडी पत्र प्राप्त कर लिया जाए अथवा परीक्षक के लॉगिन पर रिजेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, जिसमें परीक्षक द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से रिजेक्ट कर सकते हैं, संस्था स्वयं के स्तर पर परीक्षक से संपर्क स्थापित करेंगे और ईमेल आईडी के माध्यम से परीक्षक को सूचित करेंगे, जिसका विवरण संस्था स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखें, साथ ही सूचित है कि प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित छात्र छात्राओं के प्रयोगात्मक अंकों की ई लिस्ट की हार्ड कॉपी पेपर कोड के बढ़ते हुए क्रम में
व्यवस्थित कर स्पाइरल बाइंडिंग कराते हुए परिषद की कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज के लिए है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही जानना था कि आपका जो प्रैक्टिकल्स होने वाला है स्टार्ट हो चुका है 1 से, ठीक है, 1 जून से 20 जून के बीच में आपकी प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, इसके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, और इसी बीच आपके प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स होंगे वो भी फिल करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ था BTUP के लिए, जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।